वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहां देता है। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, अरे ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। STNRYK से प्रोग्राम कैनवस के साथ मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका होस्ट शहबाज नय्यर। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम कैनवस में वो लोग तशरीफ लाया करते हैं, वो मेहमान आया करते हैं जिनको देखकर आपकी आंखें ठंडी होती हैं और जिनको सुनकर यकीन कीजिए आपके समातों में रस घुल जाता है। क्योंकि इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो खूबसूरत शायर और वो गुलूकार, वो फंड से वाबस्ता लोग जो अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में जहां हम सीनियर्स को लाते हैं वहां हम जूनियर्स को भी लाते हैं। जूनियर्स से मुराद ये नहीं कि वो बहुत छोटे हैं, नहीं, सीनियर्स से जरा चार दिन पहले किसी भी फन में कदम रख दिया और जो अब है उन्होंने बाद में रखा, तो मैं कहूंगा कि जूनियर्स नहीं, लेटेस्ट भी। तो आज जनाब जो हमारे साथ हैं वो अदबी दुनिया के दो नए नाम और खूबसूरत नाम हैं। एक का ताल्लुक बजाहिर या बुनियादी तौर पर मेडिकल की दुनिया से है और दूसरे का ताल्लुक जो है वो जनाब फसलों से, ज़राअत से, जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों का ताल्लुक बुनियादी तौर पे दिल से भी है कि दिल से है सो वो दिल की बातें शेरों में ढालते हैं। दो शायर हैं, नौजवान शायर हैं, खूबसूरत शायर हैं। आइए आपको तारुफ करवाता हूं। पहले शायर हमारे साथ जनाब आगा जान। आगा जान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरे शायर जो हमारे साथ जनाब आगा जान के बेहतरीन दोस्त और हर वक्त उनके साथ रहने वाले, जब दो आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट दोस्त बन जाए यकीन करें उनको फनी तौर पर बहुत फायदा हुआ करता है। वो जनाब जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो दूसरे शायर हैं, वो है हमारे साथ अमीर हमजा। अमीर हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो लीजिए जनाब, शायर का तारुफ उसकी खूबसूरत शायरी होती है, तो हम जनाब तारुफ देंगे आपको अपने पहले मेहमान जनाब आगा जान साहब का उनकी दिलरुबा शायरी से। तो आगा जान साहब क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? ऐसा खुदा करे कभी वैसा खुदा करे। क्या बात है। ऐसा खुदा करे कभी वैसा खुदा करे, अब ये खुदा की मर्जी है जैसा खुदा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आगा जान, क्या कहने। अब ये खुदा की मर्जी है जैसा खुदा करे, मेरा अलग मिजाज है दुनिया से माजरत। मेरा अलग मिजाज है दुनिया से माजरत। मेरा अलग मिजाज है दुनिया से माजरत, जिसने भी मुझसे मिलना हो खुद राब्ता करे। वाह क्या बात है। जिसने भी मुझसे मिलना हो खुद राब्ता करे। अपनी दुआ से बनती नहीं है न जाने क्यों। वाह वाह वाह। अपनी दुआ से बनती नहीं है न जाने क्यों, जो भी करे वो मेरे लिए बददुआ करे। और कितने ही दिन गुजार दिए उसने काल पर। उससे कहो कि मिलने का भी हौसला करे। यार वाह 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 वाह, अच्छा शेर है डिमांड के साथ साथ। उससे कहो कि मिलने का भी हौसला करे। आगा 400 जो सितारों की भीड़ है। आगा 400 जो सितारों की जो भीड़ सितारों है। की भीड़ है, एक आंख इतने सारे सितारों का क्या करे। भाई बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत जी, बहुत एक आंख इतने सारे सितारों का क्या सितारों का क्या करे। भाई बहुत अच्छे आगा जान, लुत्फ आ गया, मजा आ गया। अब मैं चाहूंगा जैसे आपने अपना तारुफ शायरी के जरिए हमारे नाजरीन तक पहुंचा दिया, ऐसे ही अमीर हमजा भी अपने शेरों से बताएं हमारे देखने वालों को कि अमीर हमजा भी नए हैं मगर क्या अच्छा शेर कहते हैं। जी अमीर हमजा, एक मतलब आपकी नजर है जनाब, मतलब है कि वो मेहरबान एक दिन मुझ पर मेहरबान हो गया। वो मेहरबान एक दिन मुझ पर मेहरबान हो गया। वो मेहरबान एक दिन मुझ पर मेहरबान हो गया। वाह, मैं गुलिस्ता हो गया। भाई वाह 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 वाह, यार क्या बात है, क्या अच्छा मतलब है। वो मेहरबान एक दिन मुझ पर मेहरबान हो गया, मैं गुलिस्ता हो गया। एक और गजल है कि करार छीना दिले बेकरार का मैंने। करार छीना दिले बेकरार का मैंने, बदल दिया है मानी खुमार का मैंने। वाह। बहार मेरी तरफ देखने लगी मुड़कर खिजा में जिक्र किया था बहार का मैंने। भाई वाह वाह वाह, अच्छा है यार, क्या अच्छा शेर है, बहुत शुक्रिया। बहार मेरी तरफ देखने लगी मुड़कर खिजा में जिक्र किया था बहार का मैंने। मैं क्या बताऊं तुझे इंतजार का मतलब।
क्या अच्छा मिसरा है यार, वाह वाह वाह। मैं क्या बताऊं तुझे, इंतजार का मतलब के इंतजार किया इंतजार का मैंने। बहुत खूबसूरत, मेरे नजदीक यही बात खूबसूरत थी, मेरे नजदीक यही बात खूबसूरत थी, कभी गिला ना किया इख्तियार का मैंने, कभी गिला ना किया इख्तियार का मैंने। अच्छा अमीर, अमीर कल यूं ही बाजार से गुजरते हुए खुदा खरीद लिया था हजार का मैंने। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया यार अमीर हमजा, बहुत अच्छे। बहुत आप नए लोग हैं दोनों, नए नए शेर की दुनिया में उतरे हैं, लेकिन बहुत अच्छी आमद है आप लोगों की। अल्लाह ताला ये बरकत यूं ही जारी और सारी रखे। अब ये बताएं कि इस वक्त मौजूद जनाब आगा जान साहब, इस वक्त मौजूद जितने बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, जो बड़े नाम हैं मौजूद हैं, उनमें से कौन से कोई दो लोग आपको बहुत पसंद हैं? देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हर बंदे की अपनी पसंद होती है। ठीक है, मैं भी वक्त के साथ जाहिर है मेरी पसंद तब्दील होती रही है, क्योंकि मुतालिया के साथ मेरे नजरियात भी तब्दील होते गए। सही। तो रोजे अव्वल से लेके अभी तक मुझे बावलपुर की दोनों शख्सियात बहुत पसंद है, जनाब अजहर फिराग और जनाब अफजल खान। भाई क्या कहने हैं, दोनों ही बहुत अच्छे शायर हैं, बेशक मुनफरिद उस्लूब के और मुख्तलिफ मिजाज के खूबसूरत शायर हैं दोनों, माशाल्लाह। पाकिस्तान की तर्जुमानी की है इन्होंने हर जगह, और मुझे बहुत पसंद है। खुसूसन अफजल खान का एक शेर सुनाता हूँ आपको। वसीयत की थी मुझको कैस ने सहरा के बारे में, वसीयत की थी मुझको कैस ने सहरा के बारे में, ये मेरा घर है इसकी चार दीवारी नहीं करनी। यार वाह वाह वाह, ये अफजल खान साहब। और अजहर साहब कहते हैं कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। बेशक, वाह वाह वाह। और कितना अच्छा शेर वो कहते हैं कि जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता। बहुत खूबसूरत। तो ये दो शख्सियात हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपके मिजाज का मुझे दिली तौर पर खुशी हुई कि आपने जिनको पसंद किया उनके शेर भी आपको याद है। अच्छा मैं ऐसे पूछना चाहूंगा कि आपको कौन से दो लोग पसंद है और बहुत पसंद है, इन मौजूद जितने असातिज़ा है या बड़े नाम है इस वक्त हमारे? किसी एक का नाम लेना जो है वो औरों के साथ ज्यादती हो। आप दो का नाम ले, एक का ना लेना। अब दो का ले, मैं समझता हूँ काफी। अख्तर उस्मान साहब है, क्या कहने हैं जी, क्या कहने साहब है, क्या अब्बास तावे साहब तो मुर्शिद गुरु है हमारे, बड़े हैं हमारे, दोनों अच्छे शायर हैं ये, बाकी भी काफी सारे हैं, मैं सबका नाम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात। और ये फरमाएं कि नई नस्ल जो है आगा जान, नई नस्ल जो है, इस नई नस्ल के जो रुझानात हैं वो रोमांटिक शायरी सुनने तक ही है या इंकलाबी शायरी भी सुनते हैं, आपका क्या ख्याल है? आप जाहिर है आप खुद नई नस्ल से हैं। देखें, इस तरह के सवालात मैंने सिर्फ आपसे ही सुने हैं जो कि बड़े अच्छे हैं जाहिर है। तो मैं इस पे ये कहूंगा कि हर बंदे के नजरिए तो अपने होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने जज किया है तो शायद ये लोग इसे पसंद ना करें, खसूसन हमारे नए नौजवान दोस्त, लेकिन 98% मैं देखता हूँ कि वो शोहरत के लिए, वो सिर्फ हवा के साथ उड़ने वाले, बिल्कुल स्टेज की जीनत बनने वाले, यूनिवर्सिटी के शायर हैं, कॉलेज के शायर हैं या लड़कियों के शायर हैं। तो 2% जो है ना, उनमें आप देखें कि शायरी पाई जाती है, उनकी उनके मिजाज में शायरी है। 98% के हवाले से माजरत के साथ मैं कहूंगा कि बस हमें शोर लगा रहे हैं, वक्त पूरा कर रहे हैं, रश लगा रहे हैं दब के मैदान। बहुत अच्छे अमीर हमजा, आपने हमारे प्रोग्राम कैमस देखा है पहले कभी? जी साहब, का काफी प्रोग्राम आपके देखे हैं मैंने। अच्छा एक बात बताइए, उस किसी प्रोग्राम में भी कोई बात जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो या बहुत बुरी लगी हो? मुख्तलिफ होते हैं सवालात इसमें आपके, हर प्रोग्राम में ही मतलब वाकई देखे हैं। अब देखिए, इस पर मैं फ्रेंकली कहूंगा कि जो मेरी पहली पसंद है एंकर के हवाले से, तो एंकर पर्सन बेहतरीन है पाकिस्तान में, आफ्ताब इकबाल साहब, क्या बात। और दूसरा शहबाज नय्यर खुद है, भाई आपका शो बहुत अच्छा है यार, मैं इवन के इंस्पायर हूँ यकीन जाने इससे। अल्लाह आपको बहुत आपकी मोहब्बत को सलाम है, लेकिन वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं उन्हें देख देख कर सीख रहा हूँ, अल्लाह करे मैं कुछ सीख जाऊं, मुझे कुछ कहना सुनना करना आ जाए, अल्लाह करे, वो बहुत बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा हजूर, आपको अपने शेरों से कोई शेर आपका, कोई गजल कोई अता करे हमारे देखने वालों के लिए। कुछ नहीं याद मेरी खाक उछाली किसने, कुछ नहीं याद मेरी खाक उछाली किसने, कुछ नहीं याद। अच्छा जिस तरह आप पढ़ते हैं ना, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि लिखता मैं और आप पढ़ते हैं। अमानुल्लाह अरशद साहब कहते हैं डोडे सुने पढ़ते यार। सही हाल है सर, अपने शेर में अपनी जुबान में रखे हम सबको। अच्छा हजूर, कुछ नहीं याद मेरी खाक उछाली किसने,
میرے اندر سے مجھے کر دیا خالی کس نے. یار واہ واہ آغا جان کیا کہنے ہیں. کچھ نہیں یاد میری خاک اچھالی کس نے, میرے اندر سے مجھے کر دیا خالی کس نے. ویسے احباب میرے کم تو نہیں تھے لیکن, ویسے احباب میرے کم تو نہیں تھے لیکن, ویسے احباب میرے کم تو نہیں تھے لیکن, کیا کہوں گرتی ہوئی لاش سنبھالی کس نے. واہ 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 یار کیا اچھا شعر ہے. کیا کہوں گرتی ہوئی لاش سنبھالی کس نے, احباب میرے کم تو نہیں تھے لیکن, کیا کہوں گرتی ہوئی لاش سنبھالی کس نے. اور شعر دیکھیں کہ میں نے پیتے ہوئے سوچا نہیں کہ زہر نہ ہو. میں نے پیتے ہوئے سوچا نہیں کہ زہر نہ ہو, میں نے دیکھا کہ مجھے دی ہے یہ پیالی کس نے. بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ. میں نے دیکھا کہ مجھے دی ہے یہ پیالی کس نے. کسی بھی طور میرے ساتھ جنگ مت کرنا, کسی بھی طور میرے ساتھ جنگ مت کرنا, کسی بھی طور میرے ساتھ جنگ مت کرنا, مراد جنگ سے یہ ہے کہ تنگ مت کرنا. مراد جنگ سے یہ ہے کہ تنگ مت کرنا, مراد جنگ سے یہ ہے کہ تنگ مت کرنا. حسین ہاتھوں کے اس پر نشان لگے ہوئے ہیں, حسین ہاتھوں کے اس پر نشان لگے ہوئے ہیں, حسین ہاتھوں کے اس پر نشان لگے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے کھڑکی کو رنگ مت. ہائے 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 یار کیا اچھا شعر ہے. مقرر بہت اچھا شعر ہے. بہت محبت شہباز صاحب. حسین ہاتھوں کے اس پر نشان لگے ہوئے ہیں, خدا کے واسطے کھڑکی کو رنگ مت کرنا. بہت شکریہ. بہت جی امیر حمزہ, آخر میں آپ کیا کون سا شعر ہم سے شیئر کریں گے؟ میری نظر تو گلستان کو بیاباں دیکھے. میری نظر تو گلستان کو بیاباں دیکھے. میری نظر تو گلستان کو بیاباں دیکھے, یہ دیکھتے ہوئے مجھ کو کہاں جہاں دیکھے. میری نظر تو گلستان کو بیاباں دیکھے, یہ دیکھتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے مجھ کو کہاں جہاں دیکھے. میں سوچتا ہوں گزرتے ہوئے اسے اکثر, میں سوچتا ہوں گزرتے ہوئے اسے اکثر, میں چاہتا ہوں پلٹ کر وہ بدگما دیکھے. بہت خوبصورت شعر ہے یار. واہ 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 واہ. میں سوچ امیر حمزہ کیا بات ہے, بہت اچھے. میں سوچتا ہوں گزرتے ہوئے اسے اکثر, میں چاہتا ہوں پلٹ کر وہ بدگما دیکھے. واہ. حدوں سے دور ہے, دکھتا نہیں ہے مجھ کو کہیں. خوب. حدوں سے دور ہے, دکھتا نہیں ہے مجھ کو کہیں, مگر وہ بیٹھا کہیں پر نشاں نشاں دیکھے. بہت اچھا شعر. واہ. حدوں سے دور ہے, دکھتا نہیں ہے مجھ کو کہیں, مگر وہ بیٹھا کہیں پر نشاں نشاں دیکھے. یہ خاصیت بھی فقط آسمان ہی میں ہے, یہ خاصیت بھی فقط آسمان ہی میں ہے, زمین پہ رینگنے والا بھی آسمان دیکھے. واہ. یہ خاصیت بھی فقط آسمان ہی میں ہے, زمین پہ رینگنے والا بھی آسمان دیکھے, زمین پہ رینگنے والا بھی آسمان دیکھے. یہ میری آنکھ کا اپنا نصیب ہے حمزہ, یہ میری آنکھ کا اپنا نصیب ہے حمزہ, آگ جلتی ہوئی دیکھے بھلے دھواں دیکھے. بہت خوبصورت جناب امیر حمزہ صاحب کیا کہنے ہیں. لیجیے جناب ناظرین, کینوس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت پیارے آغا جان اور امیر حمزہ, اور میں ہوں آپ کا شہباز نیر. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات کسی پھر خوبصورت سے پروگرام میں. اجازت دیجئے, فی امان اللہ, اللہ حافظ.